जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर प्रदेश के कान्हा नगरी यानी कि मथुरा वृंदावन एक साथ यात्रा आपको कैसे करनी है इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप मथुरा और वृंदावन एक साथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मथुरा वृंदावन के कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है, मथुरा वृंदावन आपको कैसे पहुंचना है, मथुरा वृंदावन में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, होटल लेके रुकना चाहिए या फिर वहां पे हमको आश्रम धर्मशाला के भी ऑप्शन होते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मथुरा वृंदावन में हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल पे विजिट करना है मथुरा तथा वृंदावन में, हमको इन सभी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा, हम टैक्सी हायर करके घूमें या फिर हम अपना ऑटो रिक्शा से घूमें, मथुरा वृंदावन आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है और हमको कितने दिन की यह यात्रा बनानी चाहिए, और वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि मथुरा वृंदावन यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं जिससे आपको इस मथुरा या वृंदावन यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको मथुरा वृंदावन कैसे पहुंचना है। दोस्तों मथुरा वृंदावन पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाय ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है मथुरा वृंदावन का वो है आपका मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे प्रमुख शहरों से प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी मथुरा तक के लिए। तो यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मथुरा आ जाइए। मथुरा रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर आएंगे वहां पे आपको मिलेगा टैक्सी स्टैंड, यानी कि वहां पे ऑटो रिक्शा का स्टैंड मिलेगा, वहां से आप अपनी गाड़ी लीजिए, गाड़ी वाला आपका दोस्तों लेके जाएगा आपको मथुरा वृंदावन। लेकिन हम जो स्टे बनाएंगे यदि आप मथुरा वृंदावन एक साथ ट्रिप करना चाहते हैं तो मेरे सुझाव से आपको जो बेस्ट ऑप्शन है स्टे करने का वो है आपका वृंदावन के आसपास, यानी कि वृंदावन प्रेम मंदिर के आसपास अपना कहीं भी स्टे बना लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा। आप मथुरा भी घूम लेंगे और साथ ही साथ वृंदावन भी घूम लेंगे। तो दोस्तों वहां से आप ई रिक्शा पकड़िए, ई रिक्शा वाला दोस्तों आपका 40 रुपए लेगा पर पर्सन शेयरिंग में और आपको वो वृंदावन के प्रेम मंदिर के निकट छोड़ देगा। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको अगर बाय ट्रेन आना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाय फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका दोस्तों आगरा का एयरपोर्ट, लेकिन आगरा एयरपोर्ट में आपको ज्यादा फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगी, तो आप आ सकते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यानी कि दिल्ली आकर आप मथुरा बाय रोड डिस्टेंस तय कर सकते हैं जिसकी दूरी आपकी लगभग 160 किलोमीटर की पड़ जाती है और आप दिल्ली टू मथुरा बाय रोड यात्रा करके पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन था कि यदि आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आप मथुरा वृंदावन पहुंच सकते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं कि हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और अब हमको होटल एकोमोडेशन कहां लेना है, और इसके पश्चात हम बात करते हैं कि हमको मथुरा और वृंदावन में कौन कौन से दर्शनीय स्थल पर विजिट करना है, कहां कहां हमको दर्शन करने जाना है और हमारा सीक्वेंस कैसा होगा। चलिए बात करते हैं कि हमको होटल कहां पे लेना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम मंदिर के आसपास आपको ढेर सारे यहां पे होटल्स मिल जाएंगे, तो आप यहां पे अपना होटल ले सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो आपको 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए से आपको एसी रूम देखने को मिल जाएंगे और आप अपना वृंदावन में स्टे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि हमको मथुरा और वृंदावन की यात्रा करने के लिए हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली 3 दिन आपके लिए पर्याप्त है यदि आप मथुरा वृंदावन घूम रहे हैं तो, और यदि मथुरा वृंदावन के साथ आप बरसाना भी करना चाहते हैं, गोवर्धन भी करना चाहते हैं और आप गोकुल भी करना चाहते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आपको 4 से 5 दिन की भी ट्रिप बनानी पड़ जाएगी यदि आप पूरा एक्सप्लोर करते हैं तो। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको जैसा कि बताया मथुरा और वृंदावन एक साथ यात्रा कैसे करना है उसके लिए आपके लिए 3 दिन सफिशियंट है, यानी कि 2 रात 3 दिन आप रुकिए और आप अपने 3रे दिन शाम को वापसी ले सकते हैं, आपका मथुरा और वृंदावन के साइट सीइंग कवर हो जाएंगे। चलो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले कि आपको पहले दिन मथुरा के कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं, कैसे हमको यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि हमको दर्शन करने जाना है। चलिए आइए अब हम मथुरा के साइट सीइंग जानते हैं और उसके बाद हम वृंदावन के साइट सीइंग जाने। दोस्तों मथुरा का सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे वो है वहाँ का कृष्ण जी की जन्मस्थली या कृष्ण जी की जन्मभूमि। तो दोस्तों जन्मभूमि जाने के लिए आप होली गेट से 10 रुपए का अगेन ऑटो पकड़िए और आप आ जाइए जन्मभूमि। जन्मभूमि में दोस्तों आपको जाने के लिए एक चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास फोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है वहां, तो इन सबको या तो आप अपने रूम पे छोड़ के आइए, अन्यथा आप चाहें तो बगल में यहाँ पे क्लॉक रूम बना हुआ है जिसको अमानती घर सामान घर भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आप अपने क्लॉक रूम में अपने सामान रख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों सामान का अगर मोबाइल कैमरे की बात की जाए तो 2 रुपए प्रति गैजेट का सामान होता है, वही अगर आप यहाँ पे अपने बैग रखना चाहते हैं तो बैग भी रख सकते हैं जिसकी यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो बेहतर यह है कि आप अपने बैग कैमरा ये सारी चीजें आप होटल में रख के आइए ताकि आपको इन क्लॉक रूम के लाइन में ना लगना पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना यहाँ पे सामान रख दीजिए अगर आपके पास फोन है तो, और वहां पे आपको एक टोकन देगा और टोकन देने के पश्चात आप वापस रिटर्न आएंगे तो आप अपना अपना गैजेट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लगते हैं लाइन में। जय श्री कृष्णा, राधेश्याम राधेश्याम का नारा लगाते हुए हम लाइन में लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेकिंग मिलेगी जिसमें आपकी पॉकेट चेकिंग की जाएगी। ये करने के पश्चात आप मंदिर में प्रांगण में प्रवेश करेंगे। अब मैं मंदिर के अंदर का आपको चीज नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। तो दोस्तों आप जाएंगे यहाँ पे आपको
कृष्ण जी की जन्मभूमि में अनेक मंदिर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ जाइए, मत्थे टेकिए और कृष्ण जी के जन्म स्थली को प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए, मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर प्रांगण से आप बाहर आ जाइए। तो दोस्तों ये रहा आपका जन्मभूमि का दर्शन जो कि हमारे कान्हा जी का था। दोस्तों एक चीज आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो एक चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हर मंदिर क्लोज होता है, चाहे कोई भी मंदिर रहे, चाहे मथुरा का रहे, चाहे वृंदावन का रहे। तो इस चीज का थोड़ा आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि अब हमको अगले स्थान पे कहां जाना है। तो दोस्तों मथुरा का जो अगला मुख्य स्थान है वो है यहां का द्वारकाधीश टेम्पल। दोस्तों द्वारकाधीश टेम्पल यानी कि यहां पे आपका होली गेट जो था, होली गेट से आपका लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे आप द्वारकाधीश टेम्पल में भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ जाइए, यहाँ भी मत्थे टेकिए, जय श्री कृष्णा का नारा लगाइए, कान्हा जी को प्रणाम कीजिए और चल पड़िए आप अगले स्थान की तरफ जो था आपका विश्राम घाट। दोस्तों ये विश्राम घाट यमुना नदी के तट पे स्थित है। अक्सर लोग जन्मभूमि जाने से पहले इस स्थान पे आके स्नान करते हैं और इस घाट में दोस्तों आपको संध्याकालीन हर दिन यहाँ पे यमुना आरती भी देखने को मिलेगी। तो आप वो भी सम्मिलित होकर यमुना आरती का भी आनंद ले सकते हैं, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से विश्राम घाट पे भी जाइए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दोस्तों बोटिंग होती है। बोटिंग वाला दोस्तों आपका 100 रुपए लेगा और 100 रुपए से ले जाके आपको यमुना के उस पार घुमाकर वापस लाके यही विश्राम घाट पे छोड़ देगा। ये करने के बाद दोस्तों यदि आपके पास समय हो जाता है तो एक यहाँ पे आपका पागल बाबा मंदिर है जो कि आपका मथुरा से वृंदावन के बीच में पड़ेगा, तो आप वहां भी जाके दर्शन कर सकते हैं। पागल बाबा जी का जो मंदिर है वो अभी हाल ही में बनाया गया है, काफी न्यू है, तो यहाँ भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। काफी प्रसिद्ध मंदिर ये भी माना जाता है, तो यहाँ भी जाके आप पागल बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मथुरा के दर्शन स्थल। वही अगर आप मथुरा से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप होली गेट के पास वहाँ पे ढेर सारे आपको स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, शॉप देखने को मिलेंगे। तो वहां से आप जो भी खरीदारी करना चाहते हैं, प्रसाद खरीदना चाहते हैं, लड्डू गोपाल खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये सारे थे मथुरा के साइट सीनिंग। अगले दिन आप यानी कि नेक्स्ट डे आप वृंदावन के साइट सीनिंग कीजिए और वृंदावन के साइट सीनिंग जो रहेंगे उसकी भी हम जिक्र करते हैं। और वृंदावन आपको घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं क्योंकि वृंदावन में साइट सीनिंग ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि आपको 2 से 3 दिन का इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्टे बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम वृंदावन के दर्शन स्थल के लिए कि हमको कौन कौन से पॉइंट पर जाके दर्शन करना है। तो दोस्तों वृंदावन का जो मुख्य मंदिर है वो है हमारे यहाँ का बांके बिहारी जी का मंदिर। तो दोस्तों हम सबसे पहले प्रस्थान करेंगे हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के पश्चात हम वृंदावन के और भी 7 से 8 दर्शनीय स्थल है उसकी भी हम जिक्र करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं वृंदावन में प्रेम मंदिर के पास से। दोस्तों आपको ई रिक्शा मिलेगा, ई रिक्शा वाला दोस्तों आपका 20 रुपए लेगा और वहां से आपकी 3.5 किलोमीटर पड़ती है बांके बिहारी जी का मंदिर। बांके बिहारी जी का मंदिर जाने के लिए आपको 0.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि जो ई रिक्शा वाला होगा वो आपको जूता स्टैंड के पास छोड़ देगा, या ये कह लूं कि जहां पे मेन रोड है उस रोड पर ही आपको ऑटो टैक्सी उतार देगी और वहां से आप पैदल 0.5 किलोमीटर जा सकते हैं। सबसे पहली बात आपको यह बताना चाहूंगा कि मेन रोड पे ही यहाँ पे निशुल्क काउंटर बना हुआ है जूते चप्पल का, तो आप यहीं पे अपना जूते चप्पल रख दीजिए और इसके पश्चात आप थोड़ा सा पदयात्रा करते हुए आप बढ़ेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको बंदरों से सावधान रहना है क्योंकि ये आपका चश्मा, पानी बॉटल, प्रसाद ये सब चीजें कैप्चर कर सकते हैं। वो जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हुए, जय बिहारिणे नमः कहते हुए आपको प्रस्थान करना है। दोस्तों बांके बिहारी जी का मंदिर जो ओपन होता है वो मॉर्निंग में 7:30 को ओपन होता है और दोपहर को 12:30-12 बजे बंद हो जाता है। लेकिन जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो आपका 12 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक मंदिर क्लोज होता है। 5:30 बजे आपका मंदिर का पट खुलता है, यहाँ पे आप पहुंचेंगे, लाइन में लगिए और यहाँ पे हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। भीड़ थोड़ी सी ज्यादा होती है तो आप अपने परिवार के साथ रहिए, इधर उधर मत बिछड़िए और एक लाइन में लग के आप बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए और आप मंदिर परिसर से वापस आ जाइए। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात वहीं पे समीप में एक और मंदिर बना हुआ है जो कि है राधा वल्लभ मंदिर। दोस्तों राधा वल्लभ मंदिर जाइए, यहाँ पे भी दोस्तों आपको राधा कृष्ण जी की स्टैचू देखने को मिलेंगी। यहाँ भी जाइए, यहाँ भी इन मत्थे टेकिए और जय श्री कृष्णा कहते हुए, राधे राधे कहते हुए राधा वल्लभ मंदिर से भी बाहर आ जाइए और इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ जो कि आपका बांके बिहारी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वो है आपका निधिवन। दोस्तों ये निधिवन वो स्थान है जहाँ पे आज भी ये कहा जाता है कि रात्रकालीन में श्री कृष्ण जी आकर रास लीला करते हैं। तो यहाँ पे रात के समय पे एक बंदर भी आपको यहाँ पे स्टे करता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि हर कोई चला जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी स्वयं आकर आज भी रास लीला करते हैं। तो ये वही स्थान था निधिवन जहाँ पे श्री कृष्ण जी रास लीला किया करते थे। तो दोस्तों निधिवन में आइए, बहुत ही अच्छे तरीके से निधिवन को बनाया गया है जो कि आप विजिट करेंगे तो आपको एक मंदिर भी मिलेगा जो कि है वंशीचोरी राधा रानी जी का मंदिर। तो यहाँ भी जाइए, मत्थे टेकिए, निधिवन में घूमिए और
और राधे राधे कहते हुए अगले स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए, अगले टेम्पल की तरफ प्रस्थान कीजिए, जो कि है आपका राधा रमन मंदिर। दोस्तों निधि वन के पास दो और मंदिर है, जो कि है आपका राधा रमन मंदिर और दूसरा है रंगनाथ मंदिर। पहले हम विजिट करेंगे राधा रमन जी का मंदिर, जो कि आपका निधि वन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी राधे राधे कहते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए। यहाँ पे भी आपको श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जाइए, मत्थे टेकिए, नतमस्तक होइए और राधे राधे कहते हुए आप आधे किलोमीटर की दूरी पे और पैदल चलेंगे तो आपको मिलेगा रंगनाथ जी का मंदिर। तो ये मंदिर में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए, कुछ समय बिताइए, मत्थे टेकिए और निकल पड़िए अगले दर्शन स्थल की तरफ, जो कि है आपका इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों इस्कॉन टेम्पल आपका प्रेम मंदिर के पास बना हुआ है, यानी कि प्रेम मंदिर से लगभग आपका आधे किलोमीटर की दूरी पे इस्कॉन टेम्पल स्थित है। तो इस्कॉन टेम्पल की जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग में 7:15 से ओपन होती है और आपको 12:45 तक देखने को मिलेगा। वहीं अगर शाम के वक्त बात की जाए तो 4:30 बजे टेम्पल वापस से ओपन होता है और आपका रात को 8:45 बजे मंदिर को क्लोज कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल में भी जाइए, काफ़ी खूबसूरत ये टेम्पल बनाया गया है, जो कि इस्कॉन टेम्पल में यहाँ पे हमारे विदेशी लोग आकर यहाँ पे राधे राधे जय श्री कृष्णा का नारा लगाते हैं, नृत्य करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक झलक भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे यहाँ पे आपको फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लेके यूक्रेन से लोग आकर यहाँ पे राधे राधे जय श्री कृष्णा का यहाँ पे नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप आकर यहाँ जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इस्कॉन टेम्पल के अंदर भी दोस्तों आपका श्री कृष्ण जी की, बलराम जी की और राधा रानी जी की यहाँ पे मंदिर बनी हुई है। तो तीनों ही मंदिर में जाके आप मत्थे टेकिए और इस्कॉन टेम्पल से आने के पश्चात आप बढ़ चलिए एक और दर्शनीय मंदिर की तरफ, जो कि है आपका वैष्णो देवी धाम। दोस्तों ये वैष्णो देवी धाम आपका प्रेम मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस वैष्णो देवी धाम में भी आइए, एक चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि वैष्णो देवी मंदिर में आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, किसी भी तरीके का बैग पर्स नहीं ले जाने दिया जाता। तो आप ये चीज़ों को लॉकर में वहाँ रख दीजिए, जो कि वहाँ पे मंदिर के पास में ही बना हुआ है। तो वैष्णो देवी धाम में भी जाएंगे तो यहाँ पे माँ वैष्णो देवी जी के और शेरों वाली माता जी की यहाँ पे भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जो कि आपको बहुत ही विशाल रूप में दिखेगी। तो यहाँ भी जाइए और माता जी के दर्शन करके जय माता दी कहते हुए आप बढ़ चलिए अपने वृंदावन के अंतिम स्थान पर, जो कि है आपका प्रेम मंदिर। दोस्तों प्रेम मंदिर हमारे एक्चुअली जगत कृपालु जी महाराज के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, जो कि अभी हाल ही में बनाया गया था कुछ वर्षों पहले। तो इस प्रेम मंदिर में भी आप आइए। प्रेम मंदिर में दोस्तों विजिट करने का जो सबसे मुख्य समय है वो है आप शाम के समय पे, क्योंकि संध्याकालीन में यहाँ पे लाइटनिंग की जाती है, तो प्रेम मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आपको दिखने लगता है। तो आप ज़रूर आइए प्रेम मंदिर में, यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, विजिट कीजिए। अंदर आपको श्री कृष्ण जी का स्टैचू देखने को मिलेगा, यहाँ भी आप जाके दर्शन कीजिए, कैंपस में घूमिए, काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है प्रेम मंदिर को। साथ ही साथ यहाँ श्री कृष्ण जी अलग अवस्था में जो गोवर्धन पर्वत उठाए थे वहां पे भी इसका झलक आपको दिखाया गया है। तो इस प्रेम मंदिर के कैंपस के अंदर ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो रात्रकालीन में ही आप प्रेम मंदिर विजिट कीजिए, इसलिए मैंने प्रेम मंदिर को सबसे लास्ट में रखा। तो दोस्तों ये दर्शनीय स्थल थे हमारे वृंदावन के। हालांकि वृंदावन में दोस्तों 5001 मंदिर है, सभी मंदिर को विजिट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इन सभी मंदिर को अगर आप विजिट करने जाएंगे तो आपको मान के चलिए कि कई महीनों लग जाएंगे ये सारे मंदिर को दर्शन करने के लिए। तो आज के वीडियो दोस्तों मैंने आपको मुख्य मुख्य मंदिर बताया है, जो कि आपको वृंदावन जाते साथ ही ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इन सारे स्थान को करने के लिए हमारा साधन क्या होगा, हम किस माध्यम से इन सब चीजों को विजिट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृंदावन हो चाहे मथुरा हो चाहे बरसाना हो, हालांकि मथुरा की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, वृंदावन की वीडियो आप देख रहे हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बरसाना, गोकुल, गोवर्धन हर एक वीडियो आपको लेके आऊंगा। तो आप हमारे इसी चैनल पर बने रहिएगा, आपको सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको वृंदावन में विजिट करने के लिए आपको ई रिक्शा, ऑटो, यही दो आपको ऑप्शन चुनना है। आप किसी भी तरीके का कोई गाड़ी हायर करके मत घूमिए, क्योंकि आपका अगर 10-20 रुपए में काम हो जा रहा है तो बेवजह आप 500-1000 रुपए में गाड़ी बुक करके ये सारे दर्शनीय स्थल को क्यों घूमेंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ई रिक्शा आपका एकमात्र जरिया है या फिर ऑटो रिक्शा एकमात्र जरिया है पूरे वृंदावन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपके मथुरा और वृंदावन के दर्शनीय स्थल की आपको कैसे कैसे घूमना है। चलिए दोस्तों ब्लास्ट बात करते हैं कि इस मथुरा और वृंदावन यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि आप 2 नाइट 3 डेज की ट्रिप बनाते हैं या फिर यदि आप 3 नाइट 4 डेज की ट्रिप बनाते हैं और यदि आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं
खान पान भी नॉर्मल करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपकी मथुरा वृंदावन यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कम से कम आपका 4,000 से 5,000 रुपए लगेंगे और आप मथुरा वृंदावन दोनों ही एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने आपके खाने पीने के खर्चे, आपके होटल अकोमोडेशन के खर्चे, साथ ही साथ आप जो भी वहां विजिट करेंगे ई रिक्शा से उसके मैंने आपको खर्चे की बात करी है। हालांकि ये फेयर मैंने आपको मैक्सिमम किया है, आप इससे बजट ट्रिप भी बना सकते हैं और आप मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपको मथुरा वृंदावन का एक संपूर्ण वर्णन। और यदि आप पैकेज लेके घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको एक नंबर मिल रहा है, वहां पे जाके आप अपने पैकेज की जानकारी ले सकते हैं और आप मथुरा वृंदावन की सारे टूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मथुरा वृंदावन यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन कि आपको दोनों यात्रा एक साथ कैसे करनी है। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपकी यात्रा मंगलमय हो।